हॅलो, तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप शुभेच्छा. दिवाळी सुरू झाली. दिवाळीचा जो पहिला दिवस असतो वसुबारस, तो पण आपण सेलिब्रेट केला. त्यानंतर धनत्रयोदशी. धनत्रयोदशी पण आम्ही जसं आपण नॉर्मली पूजा वगैरे सगळं करतो, ते सगळी पूजा वगैरे झाली आणि छान सेलिब्रेशन वगैरे झालं. आणि हे सगळे सण साजरे करण्यासाठी मी माझ्या सासरी आली आहे. दरवर्षी मी इथेच येत असते. माझ्या बऱ्याच जणांना असं कन्फ्युजन होतं की धनतेरस हे कधी सेलिब्रेट करायला पाहिजे, 22 का 23. तर ह्याबद्दल मला पण खूप कन्फ्युजन होतं. तर याबद्दल आपल्याला सांगणार आहेत आपले विवेक जी. तर हो, तुम्हाला माहितीच असतील. तर तुम्ही काय भेटलो होतो ना? हो, थँक्यू परत आमंत्रण दिल्याबद्दल आपल्या चॅनलवर. तर आज आपल्याला सांगणार आहे विवेक की धनतेरस 22 किंवा 23 सेलिब्रेट करायची होती आणि ती का करायची होती, तर त्याबद्दल ते सांगणार आहेत आपल्याला. तो जैसा की आपको पता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सब रीडिंग की बात है, मतलब पढ़ने पे ही पता है, क्योंकि जिस टाइम ये शुरू हुआ था तब मैं तो था नहीं. तो बेसिकली होता क्या है, यदि कोई ये कहे कि 22 तारीख को धनतेरस मनाना सही था, 23 को गलत था, या फिर वो ये कहे कि 23 को मनाना, 23 को मनाना सही था और 22 को मनाना गलत था, तर जो कोणी पण असं म्हणतो ना की हे मनवणं चुकीचं आहे, ये गलत है, तो फिर ये समझ लेना कि वो सनातन धर्म में बिलोंग ही नहीं करता. अच्छा. क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो ये कहता है कि गलत कुछ भी नहीं है, मतलब जो आप मान लो वही सही है. अच्छा. जैसा आप मान लो वो ही भगवान. तो जब भगवान की मान्यता में ही कोई बाउंडेशन नहीं दी सनातन धर्म ने, हाँ. तो 23 को मनाना या 22 को मनाना ये अपने अपने पर्सनल मैटर हो सकते हैं प्रैक्टिकली तो. ओके. पर अभी कुछ भागों में दो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग भावनाएं चलती हैं, या फिर जो एक रिचुअल्स चलते हैं, तो उसमें एक सूर्योदय का रहता है और एक सूर्यास्त का रहता है. अच्छा. तो उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जिस वक्त आपके गाँव में सूर्योदय हुआ उस समय कौन सा दिन चल रहा है. यदि द्वादशी चल रही है तो आप द्वादशी मान लो, यदि त्रयोदशी चल रही है तो आप त्रयोदशी मान लो. कि सूर्योदय के समय म्हणजे सूर्योदय होताना जो दिवस चालू असेल तो मानून घ्यायचा तो आहे. अब इसके अगेंस्ट एक और दूसरी थेरी है, वो सूर्यास्त वाली थेरी. अच्छा. इस अभी जैसे जो मेजरली अपना जो महाराष्ट्रियन कैलेंडर भी है वो जो स्पेसिफिकली बेस्ड होता है सूर्यास्त पे बेस्ड होता है. अच्छा. कि अभी इस बार क्या हुआ, 6:02 पे कल 22 तारीख को शाम को 6:02 पे द्वादशी खत्म हो रही थी और त्रयोदशी शुरू हो रही थी. अब 6:02 पे जहाँ भी सूर्योदय 6:02 से पहले हो गया, अच्छा, तो वो सूर्यास्त जो हुआ वो 6:02 शाम को उससे पहले हो गया. तो मतलब द्वादशी में सूर्यास्त हो गया कि त्रयोदशी में, त्रयोदशी शुरू होने वाली है 6:02 और उसके पहले ही सूर्यास्त हो गया. तो मतलब द्वादशी में ही हो गया ना, तो इसलिए फिर हमने मान लिया कि द्वादशी है उस दिन. अच्छा. क्योंकि हमारे यहाँ तो सूर्यास्त हो चुका है. अच्छा. अब सूर्यास्त हो गया मतलब दिन खत्म हो गया, जब दिन खत्म होने पे द्वादशी थी तो फिर हमने उसको द्वादशी मान लिया. इसीलिए जिन भागों में 6:02 से पहले सूर्यास्त होता है, मतलब ईस्ट के साइड में या सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे कि सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, उस जगहों पे आप 23 तारीख को, मतलब कि आज आपने धनतेरस मनाई है. और जिन जगहों पे जैसे वेस्ट वेस्ट वगैरह के साइड पे या कोंकण मुंबई जहाँ पे कि थोड़ा सा देर से सनसेट होता है, तो 6:02 के बाद सनसेट होता है. तो अब वो सूर्यास्त मान लो 6:15 हुआ तो वो हुआ त्रयोदशी में. अच्छा. तो फिर वो त्रयोदशी शुरू हो गई तो इसलिए फिर वो उसी दिन धनतेरस मना. तो मतलब ये एक सिंपल सा फंडा है, बट हाँ, लेकिन वो जो सेंट्रल वाली बात ही है कि पूजा अर्चना जो भी आप मानते हो, जो भी आपकी मान्यता है, वो करना ज़रूरी है. कोई भी ये कहता है कि सही है कि गलत है, तो फिर वो कम से कम अपने हिंदू धर्म या सनातन धर्म में बिलोंग नहीं करता. कि सनातन धर्म कहता है कि प्रभु मूर्त वैसी दिखती है जैसा कि मेरा चित्त है. अच्छा. तो मैंने जैसा देखा वैसा मेरा भगवान दिखा. यदि मुझे पहलवानी करनी है तो भगवान में मैंने हनुमान देख लिया. यदि मुझे पढ़ाई करनी है तो भगवान में सरस्वती माता देख ली. यदि मुझे पैसा कमाना है तो लक्ष्मी माता देख ली. मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने भगवान को जैसा देखा वैसा दिख गया. तो वो वैसी सिचुएशन रहती है, इसलिए कुछ भी सही गलत नहीं है. आपने अच्छी पूजा की, हमने देखी आपने बहुत अच्छी पूजा की, तो वो सब कुछ था, ठीक था. बस अच्छे भाव से करो, प्यार से करो, खाते पीते रहो और खिलाते रहो, यही था.
बाकी ये सब पढ़ा हुआ है मेजरली तो, लेकिन फिर पण बरेचदा आपल्याला वाचल्यानंतर पण गोष्टी क्लिअर नसतात. तर आज विवेक तुम्ही आलेत आणि आम्हाला खूप छान माहिती दिली आणि बऱ्याच जणांना कन्फ्युजन होतं, अरे मी तर 22 सेलिब्रेट केली, मी तर 23 करणार होते आणि असं काहीतरी. तर जे पण कोणाचे कन्फ्युजन असतील ते पण दूर झाले असतील. आणि या परीक्षा पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट जी गोष्ट आहे की तुम्ही ज्यावेळेस पूजा करतात त्यावेळेस ती मनोभावाने पूजा करतात आणि ती देवाला नेहमी पावतेच, तर ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. मुहूर्त तर आहेच इम्पॉर्टंट, पण त्याहीपेक्षा जे आपला मनाचा भाव आहे तो इम्पॉर्टंट आहे आणि तो जर आपल्या मनी असला तर आपण सगळ्या ह्या कुठलंही काम हे चांगलंच करू शकतो. तर एक चीज मुझे और ये ऐड करनी थी कि अब क्योंकि कल दिवाली है और कल लक्ष्मी पूजन है, तो लक्ष्मी पूजन से रिलेटेड भी जिस वक्त आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते वक्त भले ही वो 15 मिनट की पूजा हो या 10 मिनट की हो या 1 घंटे की हो, जितनी भी देर की आपको करनी है, उस समय आपका सभी का ध्यान पूजा में होना जरूरी है. सही है. आप 5 मिनट के लिए भी करो लेकिन सब लोग वहाँ पे 5 मिनट के लिए रहो, क्योंकि वो जो साथ आप एक दूसरे के साथ वहाँ पे बिताते हो मोबाइल के साथ नहीं, वो आपकी ओरिजिनल पूजा है एक्चुअली में. तो आप जो भी करते हो थोड़ा सा वहाँ पे रह के करो उस काम. तो हैप्पी दिवाली और फिर मिलेंगे कल. दक्षिणाथा तब चौधाता तब आधाराता सर्व तुम पाही पाही समय तुम वाणमय सम चिन्मय तुम आनमय सम ब्रह्मय सम सच्चिदानंद सदिवसी तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मासी तुम ज्ञान विज्ञान तुम सर्व जगदन तत्व जायते सर्व जगदन तत्व जायते सर्व जगत प्रत्येकी तुम भूमि तुम चुकारी व्याकुल आणि तुम गुणत्रयाधिता तुम गृहत्रयाधिता तुम कालत्रयाधिता तुम वसत्रयाधिता तुम मुलाधा सोत तुम क्षत्रियात्मका तुम योग्य धैर्य तुम ब्रह्मा सोम विष्णु सोम इंद्र सोम अग्नि सोम वायु सोम ब्रह्मा चेयर पेक्षा स्टूल घ्या. शिष्टफळ सीताफळ.